भगवान श्री कृष्ण की कथा करते हुए इन प्रसंगों पर श्री सुखदेव जी महाराज दो बार समाधिष्ठ हो चुके थे। उस समय अनंत ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके सचेत किया था। कब? जब भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालक गाय बछड़ों आदि का रूप लेकर के ब्रह्मा जी को अपनी माया का दर्शन कराया था, उस प्रसंग का वर्णन करते समय या आज सुदामा जी के चरित्र का वर्णन करते समय सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हो गए। कृष्ण सीत सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्म वे तमहा विरक्ता इंद्रिया थे सो प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री रामा जी का परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हो गए। कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्णस्य सखा सुदामा जी के विशेषता इतना गिना दिए कि मूल परिचय लेना सुखदेव जी महाराज भूल गए। न काम बताया न भाव बताया, केवल विशेषण ही गिनाते चले गए। कैसे हैं सुदामा? ब्रह्म विद्वान, ये ब्रह्म देवता ब्राह्मण है, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले प्रसन्न आत्मा है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, खाने को मिला हो न खाने को मिला हो, हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं। और बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे, बोले सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है, वो तो परम पतिव्रता है। सुशीला परम पतिव्रता तो थी परंतु दरिद्र थी। यह सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा और सुशीला जी को दरिद्र बता रही है। क्यों दरिद्र बता दिए? अरे भाई, पतिदेव डॉक्टर तो पत्नी स्वयं डॉक्टरानी बन जाती है, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, लेकिन यदि पति डॉक्टर कहा जा रहा है तो पत्नी अपने आप डॉक्टरानी बोली जाएगी। तो आज सुदामा जी को के लिए प्रसन्नता बताई जा रही है, हर स्थिति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं और सुशीला को दरिद्र बताया जा रहा है। सुशीला बेचारी के घर की चिंता लगी रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुना तो सुशीला को यह पता चला कि मेरे स्वामी द्वारकाधीश के सखा है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, अचंभित रह गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव है कि अपने पत्नी को कभी बताया नहीं कि मेरे सखा भगवान श्री कृष्ण है। सुशीला ने पूछा, स्वामी सच बताइए, क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं?
मैंने ऐसा सुना है, सुदामा जी हसी, हाँ हाँ, अरे वो तो बचपन के मेरे सखा है। तो फिर कभी आपने चर्चा नहीं किया? अरे बातों बातों में तो चर्चा चली। तो उन्होंने मुझे कि बताया, क्या मैंने आपसे कभी कपट किया? नाना, अरे मैंने तो सोचा कि मालूम होगा, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के तो अनन्य भक्त है, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं और शरणागत वत्सल है, शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। जो शरण में आ जाए उसे सब कुछ ने उछावर कर देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो महाराज मेरी प्रार्थना है, एक काम करो, नित्य सुशीला अपने पतिदेव से भगवान की कथा सुनती थी, कथा में भगवान के पति पत्नी स्वयं बैठ करके कथा श्रवण कराते थे, सुशीला श्रवण करती थी। सुशीला दरिद्र होने पर भी कभी अपने पति से यह नहीं कहती थी कि आपके घर में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, तो मेरे साथ में विवाह क्यों कर लिया? आज भक्तों जानते हो, पति प्रकार स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने दरिद्र पति की सेवा करे, और जिसके पास सब कुछ भरा है यदि वह सेवा कर रही है तो स्वार्थ है। स्वरथ लाली, स्वरथ लाली करन सब प्रेते, स्वरथ लाली करन सब प्रेते, मोहि सब आश्चर्य की बात है। आज जिनका भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो, अरे उन्हीं का जीवन सार्थक है। पति पत्नी एक पवित्र जीवन जिए तो उनके यहां भगवान को जन्म देने की इच्छा होती है, भगवान के हृदय में आतुरता बढ़ती है। और संसार में जिनका भगवान के चरणों के प्रति प्रेम ना हो भक्तों, अरे वो तो इस पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप होकर के जीवित हैं। जब न जिया ता जगा सो मही भारो, जब न जिया ता जगा सो मही भारो, जिनका भगवान से स्नेह न हो। भक्त एक कथा याद आई, एक बहुत बड़ा राजा है, उसका यश पूरे संसार में फैला हुआ है, राजा महादानी है, किसी को वापस नहीं भेजता है। लेकिन जिस समय राजा का प्राणांत हुआ, यमराज कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं पास में, और महाराज मांस भक्षण करने वाले जीव जंतु उस मृतक शरीर के ऊपर चक्कर काट रहे हैं। यमराज भी मना करते हैं, छुओ ना इसे, मत छुओ। क्यों? अरे महाराज देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर हाथ है इसका,
इस सुंदर हाथों से कितना दानी पूरी किया होगा। बड़ा सुंदर भाव है, तो अरे नाना इसके हाथ को मत छुओ, ये कभी अपने हाथ से दान पूरी नहीं किया। हस्तो दान विवर जितो श्रुति फुट हो सारोहियो। महाराज अच्छा हाथ छोड़ दे रहा हूं, कान में सुंदर सुंदर कुंडल लगे हुए हैं, उसकी मांग से तो खाने दो। कहा ना भैया हस्त होगा न भी गरज तो श्रुति पुट हो सारस्वत द्रोह। अरे कभी गीता भागवत पुराण की कथा तो सुना ही नहीं, इसलिए उसे भी मत छुओ। कहा महाराज मरने के बाद भी नेत्र में देखिए कितनी बढ़िया फुटली है, चमक रही है। कहा इसका नेत्र जो है ना किसी को भर नजर करके देखा नहीं। नेत्र साधु बिलो कन्हेरे, इसका नेत्र जो है बड़ा पापी है। संत महात्मा रास्ते से चले जाते हो, कभी नेत्र भर के देखा नहीं। नेत्र साधु बिलो कन्हेरे, कहा महाराज इसका पांव, कहा इसका पांव जो है ना रहते पादो न देखतो, इसका पांव जो है कभी तीर्थ यात्रा का भ्रमण नहीं किया है। नेत्र साधु बिनो कनेने रहते पादो न देखतो। कहा महाराज देखिए कितना सुंदर सुंदर माल खाया होगा, कितनी सुंदर